और अब शिमला के बाद बारिश के इस मौसम में लगातार पहाड़ों से चट्टानें खिसक रही हैं और इस वजह से हादसे हो रहे हैं। शिमला में चट्टान खिसकने से गाड़ियां इसकी चपेट में किस तरीके से आई हैं वो देखिए। ये एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है जहां पर एक पिकअप, एक कार और एक टैंकर नीचे मौजूद थे और उसी दौरान ऊपर से मलबा नीचे आकर गिरने लगा। बड़ी चट्टानें आकर नीचे गिरी और गाड़ियों की हालत आप देख लीजिए क्या हुई है। पिकअप पूरी तरह से तबाह हो गई है, टैंकर और वहां मौजूद कार और साथ ही साथ पेट्रोल पंप पर जो फिलिंग स्टेशन होते हैं वो भी पूरी तरीके से तबाह हो गए इस पत्थर की चपेट में आकर। और अब आपको कांगड़ा में तेज बारिश की तस्वीरें दिखाते हैं। तेज बारिश की वजह से किस तरीके से सड़क बह गई, उफनती हुई इस नदी को देखिए और ये नदी अपने साथ सड़क को भी बहा कर ले गई अपनी तेज धार में। कांगड़ा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ पर किस तरह से आफत वाली बारिश हो रही है ये तस्वीरें उसको समझाने के लिए काफी है। ये कांगड़ा की तस्वीरें हैं। लगातार बारिश की वजह से ऊपर से जो नदियां नीचे आ रही हैं वो उफनती हुई आ रही हैं और ऐसे में ये उफनती हुई नदी सड़कों को भी अपने साथ कई जगहों पर बहा कर ले गई है जिससे लोगों को आने जाने की समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई। और अब मंडी के कटौला के पास बादल फट गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी वजह से गाड़ियां बह गई, कई लोग लापता है, एक बच्ची का शव मिला है। देखिए पूरा पूरे मकान जो है इसके अंदर ही डूब गए हैं। मंडी के कटौला की यह घटना है जहां पर बादल फटने के बाद ऊपर से बहुत तेजी के साथ मलबा आया जिसपे अब तक जो जानकारी मिल रही है कई मकानों को इस मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया, कई गाड़ियां इस मलबे के साथ ही बह गईं या इसके नीचे दब गईं, एक बच्ची भी इस मलबे के नीचे दब गई। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर 103 आरटीओ के पास रात को भारी बारिश के चलते सड़क का एक हिस्सा ढह गया। प्रशासन ने सड़क के एक हिस्से को यातायात के लिए बहाल कर दिया है और यातायात सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। और आइए अब आपको कुल्लू की तस्वीरें दिखाते हैं। मंडी NH3 पर पिछली रात से भारी बारिश के कारण ये पूरा रास्ता अवरुद्ध है जिस कारण अनेकों जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, सड़क पर पत्थर गिरे हैं। कल रात से आंध्रा के इन पर्यटकों सहित कई वाहन वहां पर फंसे हुए हैं। पर्यटकों को रात में भी वाहनों में ही रातें गुजारनी पड़ी क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता साफ है नहीं, पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हैं और जब तक उनको JCB की मदद से हटाया नहीं जाएगा तब तक यही स्थिति वहां पर बनी रहने वाली है और इन पर्यटकों को रात भी अपने ही वाहनों में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड की वजह से जो जहां है वो वहीं फंस कर रह गया। कुल्लू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर पत्थर गिरे और रात से ही आंध्रा के इन पर्यटकों सहित सैकड़ों वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं और इन पर्यटकों को अपने वाहनों में ही रात गुजारनी पड़ी है। कुल्लू मंडी के बीच NH3 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश की वजह से लगातार ये रास्ता अवरुद्ध है, अनेकों जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, अलग अलग जगहों पर सड़क पर पत्थर गिरे हुए हैं जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर पर्यटक भी फंस गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंध्रा के पर्यटक हैं। इन पर्यटकों सहित तमाम ऐसे सैकड़ों वाहन हैं जो रास्ते में ही फंसे हैं और पर्यटकों को रात भी वाहनों में ही गुजारनी पड़ी क्योंकि जहाँ वो फंसे हैं वहाँ से आसपास कहीं जाने का रास्ता नहीं है और ऐसे में वाहनों में ही रुकने के अलावा और कोई चारा भी उनके सामने नहीं है। तस्वीरें आप देखिए और नजर लगाइए किस तरह से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गिरे हैं। देखिए पूरा पूरे मकान जो है इसके अंदर ही डूब गए हैं। यहाँ देखिए